श्री राम कुंड गर्म जल स्रोत ताता पानी बुलबुला दे रहा है। नमस्कार, जय हिंद। मैं साकेत, स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल नोमेड साकेत संतोष में। आज है 4 दिसंबर 2022 और मैं रुका हूँ अभी ताता पानी में, जो कि आप लोगों को पता होगा मैं कैसे ताता पानी पहुँचा था। तो अगर आप लोगों ने पिछला ब्लॉग नहीं देखा है तो आप लोग जाके देख लीजिएगा। तो आज का वीडियो जो है वो मैं आपको टाटा पानी दिखाने वाला हूँ और यहाँ पर क्या क्या है वो सब दिखाऊँगा मैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं और हो सकता है कि ये वीडियो लगभग दो पार्ट में आएगा, क्योंकि मैं पूरा जानकारी देना चाहता हूँ आप लोगों को, एक भी चीज़ छोड़ना नहीं चाहता। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और ये जगह ऐसा है कि यहाँ पर सब दिन, मतलब कि साल भर यहाँ पर गर्म पानी निकलता रहता है। आखिर क्यों निकलता है गर्म पानी वो मैं आप लोगों को वीडियो के अंतिम में बता दूंगा। और यहाँ पर बहुत सारा कुंड भी है जहाँ से गर्म पानी निकलता है, वो सब मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर इसका आप हिस्ट्री जानना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो भाई मैं इधर ही वीडियो बना रहा था बैठ के अभी, और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पर ये कुंड है, इसमें मछली रहता है और कुछ नहीं, ये ठंडा पानी वाला है। और वहाँ पर क्या लिखा है मैं दिखाता हूँ अभी। चल बैठो तो वहाँ पानी पियो। और चलिए मैं आप लोगों को ऊपर लेके चलता हूँ, फिर इसके अंदर क्या है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। अब यहाँ पर बैठने वाला भी बनाया गया है, आप लोग देख सकते हैं। ये है भगवान शिव का बड़ा मूर्ति, कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन यहाँ पर तब 3 दिन का मेला लगता है, जो बहुत भारी मेला रहता है भाई। और ये देखो, ये है तपेश्वर महादेव ताता पानी। और यहाँ से कैसा दिखता है वो मैं दिखाऊँ आप लोगों को। देखो ये पूरे, और यहाँ पर बाग बना हुआ है और ये शंकर जी बैठे हुए हैं। और वहाँ पर देखो, अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो उसमें ना मधुमक्खी सब छत्ता लगा लिया है, लगभग 5-6 छत्ता लगा हुआ है उसका, मतलब अपना घर बना लिया है। और इधर भी है एक रूम, और इधर देखो भाई लोग कैसे कर दिए हैं पूरा, नहीं करना चाहिए। और ये ना भाई पीछे का सीन है, देखो तुम लोग। और ये सोलर लाइट, और इधर बागवानी किया गया है, आप लोग देख सकते हो। और उधर जो नहा रहा है वहाँ पे भी एक कुंड है भाई, गर्म वाला कुंड है ये जो आप लोग देख रहे हो। ये ना गर्म वाला कुंड है, मतलब पुरुष वाला है और इधर महिला वाला है एक। और वो रहा मंदिर, वहीं पर मतलब भगवान जी निकले थे तपेश्वर महादेव। और इधर पार्क भी बनाया गया है बच्चा लोग के लिए, सब खेल रहा है इधर, कैसे झूला झूल रहे हैं, उधर बड़े भी झूला झूल रहे हैं, बड़े बुजुर्ग भी, आप लोग देखिए पूरे एकदम। आज भाई संडे है सो बहुत भीड़ है आज। और ये सब जितना भी आप लोग 2 तालाब देख रहे हैं इसमें ठंडा पानी रहता है। और उधर दुकान भी लगा हुआ है कुछ, और उधर पूरा ये जो इधर देख रहे हैं उधर भी दुकान है, लेकिन वो सब इसके परिसर में नहीं आता है। और इधर भाई पूरे पहाड़ हैं, ये इधर देख सकते हो तुम लोग, मेरे उंगली किसी के दिख रहा होगा, इधर पहाड़ हैं। और यहाँ पर कचरा के लिए बहुत जगह, हर जगह ऐसा वाला दे दिया है ताकि कचरा कहीं नहीं फेंके, लेकिन फिर भी लोग फेंक देता है। चलो मैं आप लोगों को अंदर का सीन दिखाता हूँ, अंदर का सीन क्या है।
पर्दे को लिखा हुआ है कृपया जूता चप्पल पहनकर ना जाएं। और चलो मैं इधर ही है भगवान शिव जा मतलब 12 ज्योतिर्लिंग कैसा है हर जगह का वो सब दिखाया गया है और शिव का रूप भी दिखाया गया है, तो मैं उसका फोटो डाल दूंगा क्योंकि वीडियो में बनाऊंगा तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो मैं उसका फ़ोटो डाल दूंगा। वैसे आप लोग देख सकते हो ये पूरा, और इधर भी भाई पानी ही है, तो ये सब ना पानी ही है। और आप जब आप सुबह को देखिएगा तो ये सब में से भाप निकलता रहता है, ये सब जितना मतलब बोल रहा था 2-3 किलोमीटर एरिया में पानी में से भाप निकलता रहता है और गर्म पानी रहता है। और चलो मैं इसके अंदर का सीन दिखाता हूँ, वहाँ पर जो गेट है उसके। ये है भाई श्री ओंकारेश्वर, उधर है श्री नागेश्वर, उसके बाद रामेश्वरम, उसके बाद श्री महाकाल, उसके बाद उधर है श्री भीमा शंकर, श्री मल्लिकार्जुन, श्री बैजनाथ, और ये है श्री सोमनाथ। और उधर से मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ये है भाई श्री घृष्णेश्वर, ये है श्री केदारनाथ जी, और इधर है श्री त्रयंबकेश्वर, इस तरह है। और इधर है श्री विश्वनाथ जो कि काशी में है, और यहाँ पर देखो सबका दिया हुआ है, तो मैं वीडियो बनाऊंगा तो लंबा हो जाएगा, मैं फोटो डाल दूंगा सबका। ये है भाई द्वादश ज्योतिर्लिंग सूत्र, और इधर सोमनाथ से चालू हुआ है श्री बैजनाथ, इधर श्री विश्वनाथ, उसके बाद मल्लिकार्जुन, श्री भीमा शंकर, श्री त्र्यंबकेश्वर, ये सब है देख लो आप लोग। और मैं ना भाई इसी कमरा में मैं सोया था, ये जो आप लोग देख रहे हो ये। और अब मैं आप लोगों को शिव का रुद्र रूप दिखाता हूँ, इसके बाद वीरभद्र, सबका मैं फ़ोटो डाल देता हूँ, इससे अच्छा है फ़ोटो अच्छा आएगा आप लोगों को, तो मैं फ़ोटो ही डाल देता हूँ आप लोगों के लिए। मेरा भाई अपना शिव शंकर भोले दानी जो भी हैं, और इधर मैंने आप लोगों को दिखा दिया था, अब मैं उधर में लेकर चलता हूँ आप लोगों को, उधर ही दिखाने का मैं प्रयास करूँगा। और मछली में दिखाता हूँ आप लोगों को, उसमें ज़्यादा आता है उसमें ज़्यादा आएगा, हाँ उसमें आएगा यार मछली हो। अच्छा इसको मछली खाता है कि नहीं, खाता होगा कि नहीं, मारने ही नहीं देता है मछली, में खत्म हो जाता है। आप पता नहीं क्या करते हैं, क्या इतना बड़ा बड़ा मछली है, एकदम साफ दिख रहा, रेहू है वो, कौन है पता नहीं, बुआरी है पता नहीं। यहाँ पर लिखा है मंदिर परिसर से फूल तोड़ना सख्त मना है, ऐसा करते पाए जाने पर 500 रुपये का जुर्माना होगा। और यहाँ पर बैठने वाला भी बनाया गया है भाई, चलो मैं उधर लेकर चलता हूँ। ये कहता है इसमें 400 बरस पुराना ये मतलब यहाँ पर शिवलिंग है जो कि निकला था, और चलो मैं दिखाता हूँ। तो ये ना है, तो ये है भाई मंदिर का मेन गेट, कुछ इस तरह दिख रहा है। और वहाँ पर जितना भी पत्थर लिखा है, पत्थर है वो सब निकला था, ये सब जितना आप लोग देख रहे हो ये सब आप लोग देख सकते हो। किस तरह का मूर्ति निकला हुआ था,
और उधर देखो सब नारियल सब बांध दिया है। ये भाई इधर ही कुंड है, मैं लेके चलता हूँ आप लोगों को और दिखाता हूँ क्यों पानी यहाँ पर गर्म रहता है। और आप लोगों को दिखाऊंगा भी पानी गर्म है या नहीं। श्री राम कुंड गर्म जल स्रोत ताता पानी बुलबुला दे रहा है। और ये है माता सीता कुंड, इसका भी पानी गर्म है, पूरे एकदम गर्म गर्म हो के रखा है। और यहाँ पर लिखा हुआ है देवी देवताओं के स्थली ताता पानी में आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। बलरामपुर रामा नूजगंज जिले के धरती में एक ऐसी जगह है जहाँ कुदरत ने लोगों के लिए स्वर्य चमत्कार दिखाया है। छत्तीसगढ़ी ने पूरे भारतवर्ष में आप लोग देख सकते हो कि क्यों इसका पानी गर्म रहता है यहाँ पर बताया गया है। और इधर भी एक तालाब है भाई, इसका भी पानी हल्का हल्का गर्म रहता है, मतलब इतना मैंने पहले भी बताया था कि ये जितना भी क्षेत्र है इधर का हल्का हल्का पानी गर्म ही रहेगा आपको। और इधर भी एक कुंड है, पूरा उधर भी एक कुंड था भाई, उधर भी और इधर भी है कुंड, और मैं उधर ही नहाया था जो कि अभी आप लोग देख सकते हो उधर का पानी गंदा हो चुका है इसलिए मैं नहीं दिखाऊँगा उतना, मतलब सुबह टाइम में बहुत अच्छा रहता है अभी गंदा हो जाता है इसीलिए मैं नहीं दिखा पाऊंगा। और देख सकते हो ये नाला उला सब जा रहा है। इधर गार्डन एरिया भी है पूरे, और आज संडे है तो आज भीड़ ज्यादा है। उधर भाई मैरिज हॉल है, इधर स्कूल है, इधर भी भाप निकल रहे हैं। फोका हो जाएगा, फोका पड़ जाएगा हाथ में। हम भी हम सुबह में इसमें सुबह में हम इसे नहाए थे, हाथ उत लगा एकदम, तब से हाथ अथी हो रहा है, लहर ही रहा है। सुबह में कपड़ा खींचे थे पानी खत्म हो गया था ना, इसी से हाथ में एकदम बहुत गर्म, फोका उका हो जाएगा इतना गर्म। यहाँ से देखो मैं आपको शिव दिखा रहा हूँ पूरे, कैसा दिख रहा है भाई, एकदम विशाल है पूरे। और इधर दुकान भी था, मैंने आपको पहले भी बताया था, वहीं पर मैं दुकान दिया हूँ अपना चार्ज करने के लिए मोबाइल, चलो मैं ले लेता हूँ अपना मोबाइल। इतना अच्छा से तो नहीं आया क्योंकि मेरे पास कोई कैमरा है नहीं भाई, तो एडजस्ट कर लेना।
तो भाई मैं ये वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। उधर इसीलिए नहीं दिखा पाया क्योंकि महिला सब नहा रही थी, तो मैं नहीं दिखा सकता। तो चलो ये वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। और ये है तप्तेश्वर महादेव धाम तातापानी। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए।